होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था और एक लड़का एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र करके अपने गांव जा रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि जनरल डिब्बे के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और उसका दम घुट जाएगा। तो एक स्टेशन पर वह उतरता है और सोचता है कि क्यों ना स्लीपर कोच में चढ़ा जाए। जैसे ही वो स्लीपर कोच का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वह दरवाज़ा अंदर से किसी ने बंद कर रखा था और इतनी ही देर में ट्रेन चल देती है। अब वह जल्दबाजी में एक एसी कोच के अंदर चढ़ जाता है और वहाँ पर जाकर सीट ढूंढने लगता है। तभी उसे एक सीट मिलती है जिस पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसने अपने पैरों को सुखेड़ा हुआ था और चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। वह जाकर उस लड़की के पैरों की तरफ जो खाली जगह थी वहाँ पर बैठ जाता है। जैसे वह लड़का वहाँ पर बैठता है तो जो लड़की थी उसे महसूस होता है कि कोई उसके सीट पर बैठा है, तो वह अपना दुपट्टा हटाकर एकदम से उससे कहने ही वाली थी कि हटो, ये मेरी सीट है, मैंने इसे रिजर्व किया है। लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है तो एकदम चुपचाप सी रह जाती है। इधर वो लड़का इस चीज़ को देखकर उसकी तरफ देखता है तो वो भी देखते ही उसे पहचान जाता है। दरअसल दोस्तों, वो लड़के लड़की और कोई नहीं, 10 साल पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, और आज वो इतने दिनों बाद इस ट्रेन के अंदर मिले हैं। लड़का जो है वो एक मज़दूर है और लड़की IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है। कुछ दिनों बाद उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है। आखिर क्या कहानी थी, इतने दिनों बाद ये कैसे मिले और क्या अब ये दोबारा से मिल पाएंगे या नहीं, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना बिहार के पटना की है। बिहार के पटना में एक प्रतीक नाम का लड़का रहा करता है। वह अपने घर वालों की किसी बात से नाराज़ होकर अपने गांव के एक साथी के साथ दिल्ली आ जाता है और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करने लगता है। उन दिनों वो कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं उसे मेहनत मजदूरी करते हुए। तभी एक बार होली का त्यौहार आने वाला था तो वह सोचता है कि क्यों ना इस बार की होली अपने गाँव में जाकर मनाई जाए। इस बात को सोचकर वह दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर जाकर स्लीपर कोच के लिए टिकट के लिए पूछने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि स्लीपर कोच की जितनी भी टिकटें हैं वो सभी फुल हैं, तो उसे जनरल डिब्बे में ही यात्रा करनी होगी। AC डिब्बा खाली है लेकिन उसके लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब इस बात को देखकर वह जनरल डिब्बे की एक टिकट ले लेता है, प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाता है। जैसी ट्रेन आती है तो ट्रेन के अंदर जनरल डिब्बे में चढ़ जाता है। अब ट्रेन जैसी चलती है तो जनरल डिब्बे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग थे, चारों तरफ भीड़ भाड़ का माहौल था, तो उसे लगता है कि इस डिब्बे के अंदर मेरा दम घुट जाएगा। तो जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो वह उस डिब्बे से उतरता है और सोचता है कि मैं स्लीपर कोच के अंदर चढ़ जाऊँगा और वहाँ पर TT साहब जो भी फाइन मांगेंगे मैं उन्हें दे दूँगा और उसी के अंदर यात्रा करूँगा। तो उतर के स्लीपर कोच का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये दरवाज़ा तो किसी ने अंदर से लॉक किया हुआ है। इतनी ही देर में ट्रेन चल देती है। तभी वह लड़का जल्दबाजी में एक AC कोच के अंदर चढ़ जाता है। उस पर चढ़ने के बाद अब वो सोचता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो मैं इसके अंदर चढ़ चुका हूँ। तो वहीं पर एक सीट ढूंढने लगता है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक सीट दिखाई देती है जहाँ पर एक लड़की जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, देखने में अच्छे घराने की अच्छी खासी पढ़ी लिखी प्रतीत हो रही थी। उसने अपने पैरों को मोड़ा हुआ था और अपने मुंह पर अपना दुपट्टा रखकर लेट रही थी। तभी वह लड़का प्रतीक उस खाली जगह पर बैठ जाता है और जैसे ही वो बैठता है तो उस लड़की को महसूस होता है कि कोई उसकी सीट पर आकर बैठा है। वह झट से अपना दुपट्टा हटाती है और कहने ही वाली थी कि हटो यहाँ से, ये मेरी सीट रिजर्व है, तुम यहाँ कहाँ बैठ रहे हो। लेकिन उससे पहले जैसे ही वो उस लड़के का चेहरा देखती है तो देखते ही उसे पहचान जाती है। इधर वह लड़का भी उस लड़की की तरफ देखता है तो वह भी उसे देखते ही पहचान जाता है। लेकिन अभी दोनों चुपचाप हैं, एक दूसरे की तरफ केवल देख ही रहे हैं। तभी जो वह लड़की थी वो उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो प्रतीक हो ना। तभी जो प्रतीक था वह कहता है कि हाँ मैं तो प्रतीक हूँ और तुम स्वीटी हो ना। तो स्वीटी भी कहती है कि हाँ मैं भी स्वीटी हूँ। स्वीटी कहती है कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थे और ना कोई फ़ोन, ना कभी तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। तभी प्रतीक कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। स्वीटी कहती है कि नहीं नहीं, पहले मैंने पूछा है तो मेरे सवाल का जवाब तुम पहले दोगे। तो प्रतीक स्वीटी को बताता है कि मैं दिल्ली के अंदर रहकर मेहनत मजदूरी किया करता हूँ और इसी से अपना भरण पोषण किया करता हूँ। तो स्वीटी कहती है कि अरे क्यों मजाक कर रहे हो, तुम तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे और बायोलॉजी तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था।
तभी प्रतीक कहता है कि हाँ हुआ तो करता था, लेकिन अब मैं फिलहाल मेहनत मजदूरी करता हूँ और मेरे कपड़ों से और मेरी हालत से तुम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हो। प्रतीक के कपड़े मैले कुचैले थे, फटे पुराने थे और उसके अंदर से बदबू भी आ रही थी। अब उसकी हालत को देखकर स्वीटी समझ जाती है कि ये सच बोल रहा है। अब उसके बाद स्वीटी उससे और आगे बात करने लगती है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये 10th क्लास के अंदर जब पढ़ा करते थे तो एक दूसरे से मन ही मन प्यार किया करते थे, लेकिन एक दूसरे का इजहार कभी हुआ नहीं था। तभी प्रतीक स्वीटी से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो आजकल, तो स्वीटी बताती है कि मैंने UPSC की तैयारी की थी और मेरे टेस्ट वगैरह क्लियर हो गए हैं और कुछ दिनों बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है और ट्रेनिंग के बाद मैं IAS बन जाऊंगी। इस बात को सुनकर प्रतीक बहुत खुश होता है और कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, अब तुम IAS बन जाओगी और तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। अब इसी तरह से उनकी बातें चलती रहती हैं और धीरे धीरे सफ़र कट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता बातों में कि कब उनका सफ़र पूरा हो गया। उनका स्टेशन आता है तो दोनों स्टेशन पर उतरते हैं और उतरते ही स्वीटी प्रतीक से कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। तो स्वीटी और प्रतीक एक होटल पर जाते हैं, वहाँ जाकर खाना ऑर्डर करते हैं और उसके बाद खाना आता है और वो लोग पेट भर खाना खाते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद बिल आता है और बिल को स्वीटी लेती है और कहती है कि मैं पे करूँगी इस बिल को, लेकिन प्रतीक कहता है कि तुम पे कैसे करोगे, अभी तो तुम कमाती भी नहीं हो, मैं कमाता हूँ तो इस बिल को मैं पे करूँगा। इसके बाद स्वीटी कहती है कि नहीं नहीं बिल को मैं पे करूँगी, मैं IAS बनने वाली हूँ, ये मेरी तरफ से तुम पार्टी समझ लेना। तभी प्रतीक कहता है कि अभी तुम कमा नहीं रही हो, जब तुम कमाने लगो जब मुझे पार्टी दे देना। ऐसा कहकर प्रतीक उस बिल को पे कर देता है। अब इसके बाद वो वहाँ से अपनी अपनी जगह के लिए जाने ही वाले थे, तभी स्वीटी कहती है कि प्रतीक तुम्हारी एक चचेरी बहन थी मंजू, क्या उसका नंबर है तुम्हारे पास? तो प्रतीक कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास उसका नंबर है। तो वह उस नंबर को स्वीटी को दे देता है और वहाँ से वो दोनों अपनी अपनी मंजिलों के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों स्वीटी अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद मंजू जो प्रतीक की चचेरी बहन थी उसके पास फ़ोन मिलाती है। फ़ोन उठाते ही जो मंजू है उसकी आवाज़ को पहचान जाती है और कहती है कि स्वीटी तुम हो ना? स्वीटी कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। मंजू कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो स्वीटी कहती है कि मुझे तुम्हारा चचेरा भाई प्रतीक मिला था और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। अब यहाँ पर जो मंजू है वो हंस के बोल देती है कि दो हंसों की जोड़ी दोबारा से मिल गई। तभी स्वीटी कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस एक फ्रेंड हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी स्वीटी मंजू से कहती है कि मंजू प्रतीक तो एक लड़का था लेकिन तुम तो एक लड़की थी और तुम मुझसे मिलने आ सकती थी, फिर तुम मुझसे अब तक मिलने क्यों नहीं आई? तो मंजू कहती है कि जब से तुम्हारे भाई ने प्रतीक को मारा है उसके बाद अगर मैं तुम्हारे घर आती तो लोग बाग ये समझते कि प्रतीक ने ही इसको भेजा है उससे मिलने के लिए और उस दिन के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे मिलने आने की। स्वीटी कहती है कि भाई ने मारा है प्रतीक को, वो कब हुआ? मंजू कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे भाई ने प्रतीक को मारा था? मंजू कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, ज़रा डिटेल में बताओ आखिर हुआ क्या था। तो मंजू स्वीटी को पूरी घटना बताने लगती है। वह कहती है कि याद है तुम्हें वो दिन जब हम 10वीं में पढ़ा करते थे और मेरी तुम्हारी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी? स्वीटी कहती है कि हाँ हाँ अच्छी तरह से याद है। तो उन्हीं दिनों प्रतीक ने मुझे एक लेटर दिया था तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुमसे मेरी कहासुनी हो गई थी तो वो लेटर मैंने फाड़कर फेंक दिया था और प्रतीक से कहा कि स्वीटी ने तुम्हारा लेटर फाड़कर मेरे मुंह पर ही फेंक दिया है। अब इसके बाद प्रतीक पूरा मायूस हो जाता है क्योंकि वो तहे दिल से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और इसी वजह से उसने मुझे लेटर दिया था कि ताकि मैं तुम्हें दे दूँ, और उस लेटर के अंदर प्रतीक की दिल की बात लिखी हुई थी। अब इसके कुछ दिनों बाद हमारी 10th क्लास कंप्लीट हो जाती है और तुम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने चली गई थी और वो बॉयज़ इंटर कॉलेज में पढ़ने चला गया था। अब इसके बाद वो लड़की तुम्हें याद होगी जो तुम्हारे पास आया करती थी जिसका नाम प्रियंका था। तभी स्वीटी कहती है कि हाँ हाँ अच्छी तरह से याद है, वो आज भी मेरे पास आया करती है और मुझसे उसकी फ़ोन पर बातें होती रहती हैं। तभी मंजू कहती है कि उसका भाई भी तुम्हें याद होगा, उसका एक भाई था। तो स्वीटी कहती है कि हाँ मुझे याद है उसका एक भाई था। तो मंजू बताती है कि उसका जो भाई था वो प्रतीक का बहुत अच्छा दोस्त था और प्रतीक अपने दिल की पूरी बातें उस लड़के को बताया करता था। तो एक दिन उस लड़के ने प्लान बनाया कि प्रतीक तुम एक बार फिर से लेटर देने की कोशिश करो और इस बार ये लेटर मेरी बहन प्रियंका पहुँचाएगी। तो प्रतीक ने एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद उसके भाई ने वो प्रियंका को दे दिया और कहा कि इसे स्वीटी तक पहुँचा देना और कहना कि प्रतीक ने दिया है। प्रियंका उस लेटर को लेती है और ले जाकर तुम्हारे भाई को दे देती है क्योंकि प्रियंका का तुम्हारे भाई के साथ लव अफेयर चला हुआ था।
उसके बाद तुम्हारा भाई 3-4 लड़कों को लाकर प्रतीक में मार लगा देता है और उसके बाद वह उस लेटर को प्रतीक के पिता को भी दिखा देता है। जैसे ही वो लेटर प्रतीक का पिता पढ़ता है तो वह उसे बहुत भली बुरी सुनाने लगता है और ये बात प्रतीक से सहन नहीं होती। गांव का ही एक लड़का जो दिल्ली मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, प्रतीक उसके साथ ही हो लेता है और दिल्ली चला जाता है। अब 6 महीने बाद वो फिर से वापस आता है। आने के बाद वो सोचता है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी जाए, तो वो कॉलेज के अंदर जैसे ही एडमिशन के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एडमिशन अब उसका नहीं हो सकता क्योंकि एडमिशन के लिए वो लेट हो चुका है। अब इसके बाद वह दोबारा से अपने घर आता है और उसका पिता दोबारा से उसको खरी खोटी सुनाने लगता है। एक बार फिर से वो दिल्ली चला जाता है और अब इस तरह से धीरे धीरे पढ़ाई से उसका मन ही हट गया था। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद स्वीटी कहती है कि मंजू, मुझे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो मंजू स्वीटी से कहती है कि प्रियंका तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है ना, तुम एक बार उससे फ़ोन करके पूछ लो कि आखिर ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो स्वीटी ऐसा ही करती है, मंजू का फ़ोन काटती है और प्रियंका के पास फ़ोन मिलाती है और उससे पूछती है, क्या प्रियंका तुम्हें प्रतीक ने मेरे लिए कोई लेटर दिया था? तो प्रियंका बताती है कि हाँ हाँ, तुम्हारे लिए एक लेटर दिया था और वो लेटर मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया था। तभी जो स्वीटी है प्रियंका से कहती है कि बड़ा अच्छा किया और आज के बाद मुझसे कोई ताल्लुकात मत रखना और ना ही मेरे पास फ़ोन करना। इसके बाद वह फ़ोन काटती है और दोबारा से फ़ोन मंजू के पास मिलाती है और उससे कहती है कि मंजू और बताओ, और क्या सोचता है वो मेरे बारे में? तभी मंजू हंसते हुए उससे कहती है कि अच्छा, मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं। तभी स्वीटी कहती है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर मैं भी तो सुनूं क्या क्या सोचता है तुम्हारा भाई मेरे बारे में। तभी मंजू बताती है कि एक बार घर में शादी थी और शादी के टाइम पे प्रतीक ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और शराब पीकर वो तुम्हें बुरी बुरी गालियां दे रहा था। वो कह रहा था कि इसी लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वरना मैं अच्छा खासा पढ़ लिख रहा था और आज किसी बड़ी पोस्ट पर होता, तुम्हें बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा था। अब इस बात को सुनकर स्वीटी भी हंसने लगती है और कहती है कि तुम ये बात मेरी टांग खींचने के लिए कह रही हो ना? मंजू कहती है कि नहीं नहीं, ये बात हकीकत है। अब इसके बाद जो स्वीटी है वो कहती है, क्या तुम्हारे पास प्रतीक का नंबर है? तो मंजू कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मंजू स्वीटी को प्रतीक का नंबर दे देती है। नंबर को लेने के बाद स्वीटी मंजू का फ़ोन काटती है और प्रतीक के पास फ़ोन मिलाती है। जैसे ही प्रतीक के फ़ोन पर वो बोलती है हेलो, तो प्रतीक समझ जाता है आवाज़ को सुनकर ही, क्योंकि वो उसे सच्चा वाला प्यार किया करता था। वह कहता है कि स्वीटी, ये तुम हो ना? स्वीटी कहती है कि हाँ, ये तो मैं ही हूँ। तो प्रतीक कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तभी स्वीटी कहती है कि ये सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम मेरे बारे में कई बार बातें किया करते हो। इस बात को सुनकर जो प्रतीक है वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है। तभी स्वीटी दोबारा से कहती है, और ये भी सुना है कि जब तुम शराब पी लेते हो, जब मेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हो। इस बात को सुनकर प्रतीक थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वह स्वीटी से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि स्वीटी, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, उस समय ये ऐसी बातें मेरे मुँह से निकल गई। अब इसके बाद स्वीटी उसे बताती है कि मुझे सारी बातों का पता चल चुका है और कहती है कि अगर तुम्हें लेटर देना था तो तुम खुद ही आकर मुझे दे सकते थे ना। इधर जो प्रतीक है वो कहता है कि मुझे डर था कि कहीं तुम इस बात का बुरा ना मान जाओ। अब इसी तरह से थोड़ी देर उनकी बातें चलती हैं और बातें चलने के बाद फ़ोन कट जाते हैं दोनों तरफ से। अब दोस्तों, होली से एक दिन पहले प्रतीक का फ़ोन जाता है स्वीटी के पास और वो कहता है कि स्वीटी, कल होली है और मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। स्वीटी कहती है, अच्छा जी, अब मेरे साथ तुम होली खेलोगे? तो प्रतीक कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं खेलूँगा। तो स्वीटी उसे एक निर्धारित समय और एक जगह बताती है और कहती है कि कल इस समय पे इस जगह पे आ जाना, वहाँ पर हम लोग होली खेलेंगे। तो अगले दिन, होली वाले दिन, प्रतीक तैयार होकर उस जगह पर पहुँच जाता है स्वीटी के साथ होली खेलने के लिए। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ स्वीटी थी और वह स्वीटी के साथ अच्छी तरह से होली खेलता है और होली खेलने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। अब होली से 4-5 दिन बाद स्वीटी का फ़ोन आता है प्रतीक के पास और वो कहती है कि प्रतीक, मैं दिल्ली जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा सफ़र अकेले कटे, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। इधर जो प्रतीक है वो कहता है कि मैं काफ़ी दिनों में घर आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार 1-2 महीने रहकर ही जाऊँ। लेकिन मंजू उसे फोर्स करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो प्रतीक भी इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और दोनों एक ट्रेन में सवार होकर दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद जो स्वीटी होती है वे प्रतीक को अपने साथ अपने कमरे पर ले जाती है। वहाँ जाकर उसे अपना कमरा दिखाती है और कहती है कि यही कमरा है जिसमें बैठकर मैंने IAS की तैयारी की थी और अब कुछ दिनों बाद मेरी ट्रेनिंग लगेगी और मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊँगी। ऐसा कहकर प्रतीक अपने काम धंधे के लिए चला जाता है और जो मंजू है उसी कमरे के अंदर रहकर अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करने लगती है।
अब दोस्तों स्वीटी और प्रतीक दोनों दिल्ली के अंदर थे तो वो एक दूसरे से मिला करते हैं। बार बार अक्सर वो पार्क में जाया करते, कभी मंदिर जाया करते, कभी मार्केट में घूमा करते सामान खरीदने के लिए एक साथ। तो इसी तरह से वो घूमते रहते हैं। तभी जो लड़का जिसके साथ प्रतीक दिल्ली भाग कर आया था अपने पिता की डांट खाने के बाद, वह लड़का उन्हें देख लेता है तो वह उनका एक फ़ोटो खींचकर प्रतीक के पिता के पास भेज देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। इस बात को सुनकर प्रतीक के पिता का फ़ोन आता है और उससे कहता है कि जो हरकत तू कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है और जल्द से जल्द वापस आ जा, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूँढ रहा हूँ। इस बात को सुनकर प्रतीक का दिमाग ख़राब हो जाता है और वह स्वीटी से कहता है कि स्वीटी, हम दोनों की ये एक साथ घूमने वाली बातें हमारे घर वालों को पता चल गई हैं, अब मैं क्या करूँ, घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तभी स्वीटी उसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने घर में किसी से भी ये बता दो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे लिए लड़की ना ढूंढे। प्रतीक कहता है कि मैं किसे बताऊं? तो स्वीटी बताती है कि ऐसा करो, तुम अपनी माँ को बताओ। तो प्रतीक स्वीटी के कहे अनुसार अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि माँ, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरे लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्वीटी प्रतीक से कहती है कि चलो एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। प्रतीक इस बात को सुनकर हैरान परेशान, वो कहता है कि मंजू, मैं एक मजदूर हूँ और तुम आईएएस बनने वाली हो, क्या ऐसा रिश्ता ठीक रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे रिश्ते पर उंगलियाँ उठाएं। तभी मंजू कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इस रिश्ते के बारे में क्या कहता है। उसके बाद मंजू और प्रतीक पहले तो कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं और शादी के फ़ोटो प्रतीक अपने पिता को भेज देता है। अब पिता को भी पता चलता है कि प्रतीक ने शादी कर ली है तो वह इस लड़की की तहकीकात निकालता है और उसे पता चलता है कि यह लड़की आईएएस बनने वाली है। ये बात जैसे प्रतीक की माँ को पता चलती है तो वो बार बार चारों तरफ ढिंढोरा पीट देती है कि मेरे बेटे की बहू आईएएस बनने वाली है। गाँव वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये बुढ़िया पागल तो नहीं हो गई, कहाँ वो इसका लड़का मजदूरी करता है और आईएएस की तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो भला उससे शादी क्यों करेगा। अब धीरे धीरे ये बात स्वीटी के घर वालों तक भी पहुंच जाती है कि एक लड़का जो मजदूरी करता है उसने किसी आईएएस लड़की से शादी कर ली है। अब इस बात को सुनकर स्वीटी का पिता स्वीटी के पास फ़ोन करता है कि स्वीटी, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो सही है? तो स्वीटी बताती है कि हाँ पिताजी, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल सही है। अब इस बात को सुनकर पहले तो स्वीटी के पिता को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि अब तो बेटी अफसर बन चुकी है और उसे पूरे कायदे कानून के बारे में पता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए, तो वह चुप हो जाता है। अब इसके बाद स्वीटी ट्रेनिंग के लिए जाती है और जो प्रतीक है वो भी उसके ट्रेनिंग ग्राउंड के साइड में ही एक कमरा ले लेता है। बीच में बार बार जो स्वीटी है उससे मिलने के लिए आया करती और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। अब कुछ दिनों बाद घर वाले भी इस बात से एग्री हो जाते हैं क्योंकि स्वीटी पढ़ी लिखी थी और एक अफसर बन चुकी थी और अब अगर कोई उससे कुछ कहता तो वो उसके साथ बहुत कुछ कर सकती थी कानूनी तौर पर। तो दोस्तों ये थी कहानी स्वीटी और प्रतीक की। स्वीटी जो कि एक आईएएस थी और प्रतीक जो कि मजदूरी किया करता था। अब इसके बाद स्वीटी ने प्रतीक को और भी पढ़ाया, उसकी पढ़ाई को जारी करवाया और धीरे धीरे वो भी इंट्रेस्ट एग्ज़ाम किसी बड़े टेस्ट के लिए देने लगा। अब वो पढ़ने में होशियार था तो आगे कामयाब भी हो जाएगा। तो आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।